हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सूजी का हलवा बनाएंगे। ये बहुत ही इजी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और 10 मिनट में बन जाएगा। आपको एक कप घी, एक कप शक्कर, इलायची, काजू बादाम पीसे हुए और एक से डेढ़ कप सूजी। फिर आपको एक तरफ गर्म पानी उबालने रखना है। फिर दूसरी साइड में एक पैन लेना है, उसमें घी मेल्ट करना है। एक कप घी लेना है, आप चाहें तो थोड़ा सा कम कर सकते हो। ये घी को अच्छी तरह से मेल्ट होने देना है। उसके बाद आपको सूजी ऐड करना है। डेढ़ कप सूजी आपको इसमें ऐड करनी है और उसे अच्छी तरह से रोस्ट करना है जब तक कि ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आधी कप सूजी मैंने और ऐड की, टोटल डेढ़ कप सूजी ही ऐड करनी है। मैंने पहले एक कप, उसके बाद में आधा कप ऐड किया है। उसे अच्छी तरह से गोल्डन होने देना है, ज़्यादा गोल्डन नहीं, लाइट गोल्डन होने देना है, जैसे कि देख रहे हो, और हिलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे जल जाएगा। फिर एक कप शक्कर थोड़ा सा गोल्डन होने के बाद ऐड कर देना है और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर आपको इसमें जो पानी उबाला हुआ है वो इसमें आपको ऐड करना है, बहुत ही आराम से ऐड करना है। इसमें मैंने थोड़ा मम्मी का हेल्प लिया था क्योंकि बहुत गर्म लगा, तो कैमरे में भी पूरा फॉग हो गया था, इतना गर्म पानी आपको करना है। फिर आपको इसमें तुरंत ही इलायची पाउडर और बादाम मिक्स कर देना है, बादाम काजू जो आपका मन करे, आप दोनों भी इसमें ऐड कर सकते हो। और इसे अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मिक्स करना है। सारा पानी एक साथ मत डालना वरना पूरा आपके हाथ पे आएगा। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऐड करना। फिर इलायची भी उसी समय पानी डालते समय ही आपको ऐड करना है और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है जब तक वो पूरा पानी ना सूख जाए। और ये हो गया, पानी जैसे सूखने के बाद आपका शीरा तैयार है। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।